दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की कि राजपथ को अब से कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, तभी सही मायने में गुलामी के चिन्ह को मिटाकर स्वराज का प्रतीक स्थापित हुआ। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, चलिए इसका इतिहास देखते हैं। दोस्तों, सन 1911 में जब अत्यधिक विरोध होने के कारण अंग्रेजों ने कलकत्ता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाई, तब उसे कैपिटल सिटी बनाने हेतु वहां पे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, इंडिया गेट आदि का निर्माण हुआ। और उस समय के ब्रिटेन के किंग के सम्मान में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट को जोड़ने वाले रास्ते को किंग्स वे नाम दिया गया। इंडिया गेट के पास ब्रिटेन के किंग की मूर्ति भी स्थापित की गई। दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट को जोड़ने वाले रास्ते को किंग्स वे नाम दिया गया, वो ब्रिटेन में ही बने इससे पहले किंग्स वे के नाम के आधार पर दिया गया। और जब भारत आजाद हुआ, तब राजधानी दिल्ली में कुछ बदलाव किए गए। इंडिया गेट के पास से ब्रिटेन के किंग की प्रतिमा को हटा दिया गया, किंग्स वे का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया, लेकिन वो असल में किंग्स वे का ही हिंदी अनुवाद। और इसी गुलामी के चिन्ह को मिटाने हेतु मोदी सरकार ने इंडिया गेट में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई, जिन्होंने देश के प्रति न सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया बल्कि देश के प्रति कर्तव्य निभाने वालों की पूरी फौज ही खड़ा कर दी। इसके साथ ही राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, जो इस जगह के लिए सबसे उपयुक्त नाम है, क्योंकि इस पथ का नाम और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पूरे देशवासियों को अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रोत्साहन देगी। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।